नमस्कार, एटी न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं यशमी, बात करेंगे आज तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने पुलिस थाने में किया समर्पण। दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में दहशत, पिता ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। भाजपा नेता की हत्या की दी गई सुपारी, मीडिया कर्मी समेत दो गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। आरटीआई एक्टिविस्ट के घर के बाहर अराजक तत्वों के लोगों ने की फायरिंग, वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद, पुलिस जांच में जुटी। एमयू के कला संकाय में मतदाता जागरूकता व क्विज कॉम्पिटिशन का किया आयोजन, जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिलाई शपथ। श्री सालासर बालाजी महाराज की ध्वज यात्रा में भक्तों की उमड़ी भीड़, धूमधाम से पुष्प वर्षा संग निकाली गयी शोभा यात्रा। जिला अस्पताल में डॉक्टरी के लिए आए फौजी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस और डॉक्टर स्टाफ संघ की अभद्रता, क्या हंगामा। दबंग पड़ोसियों द्वारा की गई गाली गलौज व मारपीट, तहरीर के आधार पर कार्रवाई न होने पर युवती ने किया शिकायत का वीडियो वायरल। दुकान से खाद ले रहे किसान की जेब से चोरों ने किए 20,000 रुपए पार, स्थानीय लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। अलीगढ़ थाना टप्पल के कस्बा में पत्नी की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया गया है कि शक्की मिजाज पति गर्भवती पत्नी के ऊपर शक करने पर गर्भ में पल रहे बच्चे को भी दूसरे का बच्चा बताने लगा था, जिसके चलते वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा था और इसी शक के अंदेशे में पति ने बीते दिन पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी पति ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस व मायके पक्ष के लोगों ने जब मृत अवस्था में अपनी बेटी को देखा तो वह हैरान रह गए और चीख पुकार शुरू हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मायके पक्ष के लोगों से पूछताछ की तो बताया टप्पल कस्बे में आरोपी सिद्दीकी से उसकी बेटी की अप्रैल माह में शादी हुई थी। शादी के कुछ समय तक वह ठीक रहा, लेकिन उसके बाद से ही वह शक्की मिजाज पति बेटी पर शक कर उसको टॉर्चर करने लगा और दहेज को लेकर ताने देने लगा, जिसके चलते परिवार वालों ने 25 सितंबर को भी इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। वहीं अब पति द्वारा बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसमें मृतक महिला के मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया और पिता की तहरीर पर सिद्दीक समेत 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई। मेरा नाम मुनीषा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ पर कहाँ पर? अच्छा, क्या है, क्या है? अच्छा, क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? मेरी बहन के साथ ने अभी 10 मिनट पहले ऊपर गई थी, पता नहीं ऊपर जाके उसने क्या करा। मैं गई हूँ तो मैंने देखा तो दीवार लग रही थी, फिर मैं दूसरे घर से कूद के गई हूँ छत से। जब मैंने सबको इकट्ठा करा, मैंने गेट खोले तो देखा तो वहाँ पड़ी थी जहाँ पे वो कितनी कितनी पहले साथ कितनी माह पहले शादी हुई थी? शादी कितने दिन पहले? 30 अप्रैल को हुई हमारी शादी। 30 अप्रैल को 7 महीना चल रहा है। किसने मारा है? इसके हस्बैंड ने। क्या नाम है? संदीप। अच्छा, ये कहाँ का है रहने और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? कुछ भी नहीं थी, कपड़े मांगे, ये कपड़े, ये कम्बल देने गई है, कम्बल दिया। हमारी सास वहीं पे है तो कह रहा है बिस्तर दे दो भाभी। मैंने भी ठीक है, ये कहते हैं कम्बल मैं दे देती हूँ छत पे जाके, तो ये कम्बल देने गई है। इतने में तो 10 मिनट के अंदर अंदर पता नहीं क्या हुआ, और ये लड़ते तो आवाज तो आती नीचे, कोई नहीं, छोटी वाली नंदी ये वो दोनों बहन भाई भगे, छोटी बहन तो यहाँ से भगी है और भाई भगा छत से। मैं छत से एकदम गई हूँ, मेरे को भगने की आवाज़ आई, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। मैंने आवाज़ लगाई है तो गेट नहीं खोला किसी ने। मेरी मम्मी का फोन आ रहा था, मैं उससे बात कराने गई थी। कभी झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, कोई भी लड़ाई लड़ाई नहीं है इनकी। वो अलीगढ़ रहता है, बीमार है, वो अलीगढ़ से दवाई के लिए। बच्चे बच्चे हैं इन पे? नहीं, प्रेगनेंट है मेरी बहन, 7 महीना लग रहा है मेरी बहन का शादी के लिए। अलीगढ़ के भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के रघुवीरपुरी मंडल अध्यक्ष राजकुमार की हत्या की साजिश रचने का मामला सामने आया है। बता दें, नगला महताब निवासी राजकुमार ने 31 अक्टूबर को थाना दहली गेट में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसको एक अनजान नंबर से कॉल आया और मिलने के लिए बुलाया गया और कहा गया कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है, जिसकी सुपारी भी दी गई है। ये सुनकर पीड़ित राजकुमार परेशान हो गया और आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी और मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस के अनुसार मीडिया कर्मी आकाश कुमार ने अपने साथियों को 3.5 लाख रुपए में सुपारी दी थी, 1,70,000 रुपए एडवांस दिए थे। वहीं पुलिस ने सर्विलांस की मदद से कॉल करने वाले युवक व आकाश समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी पर भाजपा नेता संदेश राज व अन्य कार्यकर्ता उच्च कार्यवाही की मांग को लेकर दहली गेट थाने पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद मुकदमे में साजिश रचने व वसूली की धाराएं बढ़ाई गईं। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
लाख रुपये सुपारी मेरे नाम की। एक आकाश कुमार है, आकाश कुमार पत्रकार प्राइम न्यूज से है। उनके द्वारा मेरी सुपारी 5 लाख रुपए के शूटरों को दे दी गई मेरी हत्या के लिए। अच्छा, आपको किसने बताया था? मुझे कहीं से सूचना प्राप्त हुई, जिसके सूचना प्राप्त हुई तो मैंने इसमें संज्ञान लिया, मैंने पुलिस को बताया। पुलिस ने जाकर के उस शूटर को उठाया और उनसे पूछा, तो उन्होंने शूटरों ने यही बताया कि हमको आकाश ने 5 लाख की सुपारी दी है। अलीगढ़ थाना दहली गेट क्षेत्र में आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव गौतम के घर के बाहर रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा जमकर फायरिंग की गई और फायरिंग की घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं फायरिंग करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और इस घटना के संबंध में केशव देव गौतम ने बताया कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन वे ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि घटना किसने कराई है। हालांकि कुछ समय पहले उन्होंने भाजपा सांसद सतीश गौतम के विरुद्ध न्यायालय में एक वार्ड डाल रखा है। फिलहाल केशव देव गौतम ने इस घटना की जानकारी व कार्यवाही करने के लिए पुलिस से अपील की है और अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आपका पंडित केशव देव गौतम, क्या प्रकरण है, क्यों फायरिंग हुई आपके घर पर, क्या वजह है? क्या देखिए, वजह तो अभी कह नहीं सकता हूँ स्पष्ट क्या है, किसने फायरिंग की है, लेकिन जैसे कि हमारे कुछ प्रकरण जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं, जैसे जिन्ना का वादा निभाव को लेके एक सांसद जी के खिलाफ है, उसके बाद में माननीय विधायक से जो अभद्र व्यवहार हुआ था सांसद जी के द्वारा, उसकी हमने निंदा की, तो वो लोग सांसद जी ने हमारे घर 4-3 अक्टूबर में लोगों को भेजा था धमकाने के लिए, अपने यहाँ बुलाने के लिए। उसके बाद में हम फिर माननीय न्यायालय में अपनी बात को लेके गए कि हमें जान का भय, सांसद जी हमें मरवा सकते हैं, उठवा सकते हैं। उसके बाद में अभी 4 दिन पहले एक मुझे फ़ोन पर धमकी मिली थी कि क्यों पीछे पड़ गया है सांसद जी के और उनके लोगों के पीछे, हर किसी के पीछे पड़ जाता है, अपनी ज़िंदगी को जी ले, बच्चे पाल ले। कल फिर हमने इसी चीज़ को लेकर के शासन प्रशासन को संज्ञान में दिलवाया था कि ये जो है ऑडियो का संज्ञान ले, और अचानक रात को 11:25 पर फायरिंग हुई, गोली की आवाज़ आई, तो हम एकदम जागा और जागकर अपने सीसीटीवी कैमरे की टीवी को ऑन किया तो देखा तो सामने फायरिंग कर रहे थे सीधे हमारे घर की तरफ। तुरंत फिर मैंने 112 पर कॉल किया, लेकिन 112 इमरजेंसी लगा नहीं। फिर मैंने तत्काल बन्ना देवी प्रभारी जी को फ़ोन किया थाना को, उन्होंने फिर सीधा दहली गेट को ट्रांसफ़र की कॉल, फिर दहली गेट जी से मेरी बात हुई प्रभारी जी से, उस तुरंत ये जो है इंदिरा नगर चौकी प्रभारी मौके पर आ गए और दहली गेट की भी बन्ना देवी की पुलिस भी वहाँ पहुँच गई, मौका मुआयना किया, सीसीटीवी कैमरों में फुटेज हैं, उसमें 4 से 5 लड़के मोटरसाइकिलों पर हथियारबंद सीधी गोली चला रहे हैं हमारे घर की तरफ। तो जान का खतरा है, पूरी तरह जान का खतरा है, सुरक्षित नहीं हूँ, राजनीतिक हत्या हो सकती है। आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, केंद्र में, राज्य में और माननीय योगी जी की सरकार के सचिवालय में मेरे कई ऐसे गंभीर प्रकरण विचाराधीन हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के बड़े खुलासे हैं, और ये सीधा सीधा है, पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रहा है, जांच में सत्यता सामने आ जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे भय है कि मेरी एक राजनीतिक हत्या की जा सकती है। थाना दहली गेट क्षेत्र में एक फायरिंग का वीडियो संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि प्रकरण में केशवदेव गौतम द्वारा ये बताया गया कि उनके घर के पास रात्रि में कुछ लड़कों द्वारा फायरिंग की गई है, जिस संबंध में थाना दहली गेट पर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है तथा इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज के लिए कलेक्ट करने के लिए टीम लगाई गई है तथा स्वाट व सर्विलांस की टीमें भी लगी हुई है। शीघ्र ही घटना का अनावरण करते हुए अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कला संकाय में बीते दिन मतदाता जागरूकता व क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी ने शिरकत की और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव के मताधिकार के लिए जागरूक किया और मतदान का प्रयोग करने के लिए भी सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदान का प्रयोग करना प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में मतदाता सूची के
पुण्य निरीक्षण का कार्य चल रहा है और 1 जनवरी को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले ऐसे युवक व युवतियां जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम ऑनलाइन या ऑफलाइन मतदाता सूची में दर्ज करा लें, ताकि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग सही से कर सके। कहा कि उन्होंने इसके लिए छात्र छात्राओं को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, जो कि अपने मोहल्ले व अपने घर के आसपास के नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ ही मृतक व शिफ्टेड मतदाताओं को सूची में हटाने का कार्य करेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं व वहाँ मौजूद सभी लोगों को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए शपथ भी दिलाई और आखिर में क्विज कॉम्पिटिशन में रहे विजेता छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी, मैं अभी फिलहाल मैं अभी इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ये हम एमयू आए हुए हैं अभी और मैं एमयू की पूर्व छात्रा भी रह चुकी हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ यहाँ पर एक स्वीप से रिलेटेड एक जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ऑन द स्पॉट और लगभग 150 से 200 बच्चों ने ऑन द स्पॉट पार्टिसिपेट किया। उसमें एक स्वीप क्विज का आयोजन भी कराया गया था जिसमें कि स्वीप से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जो अगर लोग उसके बारे में अगर जागरूक हो तो अपने आसपास के लोगों में भी जागरूकता फैला सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हम लोग काफ़ी इस बात से खुश हैं कि हम लोग इतने सारे बच्चों को इसमें जो मोस्टली महिलाएं थी छात्राएं हैं जिनको हम इस बारे में सेंसिटाइज कर पाए हैं, अवेयर कर पाए हैं और वो लोग भी आगे जाके और लोगों को जोड़ेंगे इस मुहिम से और हम लोग इस मुहिम में कामयाब रहेंगे। थैंक यू। मेरा नाम प्राची गर्ग है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट में हूँ और आज हमारे डिपार्टमेंट में डीएम सर, हमारे इंद्र विक्रम सर आज आए थे और उन्होंने स्वीप प्रोग्राम के ऊपर काफ़ी सारी हम लोग को जानकारी दी। वोटर्स फॉर्म के बारे में हम लोग को काफ़ी सारा कुछ बताया जिससे हमें बहुत जानकारी मिली। एम यू में कार्यक्रम रहा तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? जैसा कि आप सब जानते हैं, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और 1 जनवरी आगामी 2024 1 जनवरी की तिथि में जो भी मतदाता 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो रहा है उसको हम मतदाता सूची में जोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ा इदारा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और यहाँ नए बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लिटरेसी क्लब का गठन किया है और उसके तहत स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत आज यहाँ पर क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया था जिसमें बच्चे मतदाता सूची के बारे में और जो हमारा चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। इन्हीं को हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जो अपने मोहल्लों में अपने इलाकों में जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर नए मतदाताओं को जोड़ने का और जो मरे हुए या परमानेंटली शिफ्टेड वोटर्स हैं उनको हटाने का कार्य करेंगे या जिनके बूथ बदल चुके हैं उनको फार्म एक भरवा कर उनका तबादला कराएंगे, तो इसी की जागरूकता फैलाने के लिए आज यहाँ एक कार्यक्रम। अलीगढ़ मथुरा रोड स्थित श्री सालासर बालाजी सेवा समिति द्वारा अलीगढ़ की प्राण प्रतिष्ठा के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पंचम स्थापना दिवस उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में विशाल ध्वज यात्रा अचलताल स्थित प्राचीन गिलहराज मंदिर से निकाली गई और इस दौरान श्री बालाजी महाराज का पूजन महंत द्वारा किया गया। वहीं इस यात्रा में कानपुर से आए अवधेश दीक्षित ने मधुर संगीत सुनाया और सभी इस संगीत पर झूम उठे। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया और सभी भक्तों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज मथुरा रोड स्थित सालासर बालाजी का पंचम स्थापना दिवस है, इसके उपलक्ष्य में प्रातःकाल गिरिराज जी मंदिर से एक भव्य ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया जो प्रत्येक वर्ष यहाँ से होती है। तो निश्चित रूप से दिवाली से पहले बहुत लोगों में भक्तों में एक उत्साह है हनुमान जी के प्रति और कलयुग में एकमात्र हनुमान जी हैं जो कि सभी दुखों का निवारण करते हैं और हनुमान जी के विषय में एक आ जाता है और देवता चित्तना धराई हनुमत सही सर सुख करी, जिनकी चित्त हृदय अगर हनुमान में लग गया हनुमान जी में लग गया तो उनको किसी अन्य देवता की आवश्यकता नहीं क्योंकि श्री राम उनके हृदय में है और राम जो है भगवान शंकर के हृदय में, शंकर के अंदर पूरी सृष्टि समाई है। तो हनुमान जी का ध्यान मात्र करने से ही भगवान शंकर तक को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से भक्तों में उत्साह है, बहुत अच्छा वातावरण देखने को मिल रहा है भक्ति में।
अलीगढ़ बन्ना देवी इलाके के मलखान सिंह जिला अस्पताल के इमरजेंसी में एक नशेबाज फौजी का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। इस दौरान फौजी ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की भी की। इतना ही नहीं, नशे में धुत फौजी ने जिला अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ के साथ भी अभद्रता की और डॉक्टर की टेबल में लात मार कर दवाइयों का बॉक्स फेंक दिया। इस दौरान एक मरीज के भी चोट आ गई। जानकारी के अनुसार उत हंगामेबाज फौजी का नाम देवराज बताया गया है, जो कि महुआ खेड़ा थाना इलाके का निवासी है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि वह गांधी पार्क थाना इलाके के एक निजी कॉन्वेंट स्कूल में शराब के नशे में हंगामा काट रहा था, जहां फौजी का बच्चा पढ़ता है। वहीं स्कूल स्टाफ की शिकायत पर गांधी पार्क थाना पुलिस आरोपी फौजी को शांति भंग में कार्यवाही कर जिला अस्पताल डॉक्टरी के लिए ले आई, जहां उसने जमकर हंगामा किया। मैडम, पुलिस के द्वारा जो एक आरोपी को लाया गया था, उसने यहाँ किस तरीके का अभद्रता और किस तरीके का व्यवहार किया, क्या आके यहाँ पहले तो पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज कर रहा था। उसके बाद से जब यहाँ मेडिकल के लिए लाया गया, उसको बोला बैठने के लिए, बैठ नहीं रहा था। उसके बाद से फिर डॉक्टर लोगों से बदतमीजी करने लगा, टेबल पर पैर मार रहा था और कुछ गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहा था, इस तरह से कर रहा था। मैडम, ऐसा क्या कारण था कि वो इस तरीके का व्यवहार कर रहा था, डॉक्टरों से अभद्रता कर रहा था, मारपीट है? जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया, वो नशे की हालत में था, ड्रिंक किए हुए था। और जो भी रहा हो, क्या नाम था, किस थाने से लाया गया था? उसका नाम था देशराज सिंह जी, और उसका थाना था महुआ खेड़ा, कोई जगह है अलीगढ़ में, वहाँ से गांधी पार्क पुलिस लेकर आई। ये सर पुलिस ले गए थे नशे की हालत में, इस पे लिखा हुआ भी है, जो पेपर लेके आए उसमें भी लिखा हुआ है नशे की हालत में। इमरजेंसी में ये काउंटर और उसका लात मार भी मारी थी उसने? जी, टेबल पे लात मारी थी। वो सवा था, वो भी गिर गई होगा जी सर। तो सब चीज़ टीवी में रिकॉर्डेड भी है, जितना जो हुआ। क्या नाम है? प्रमिला राय, चीफ फार्मासी चीफ प्रमिला राय मेरा नाम है। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के किशनपुर इलाके में दबंग पड़ोसियों द्वारा अपने ही पड़ोसियों के घर में घुसकर युवती और उसके परिजनों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद अपनी जान बचाकर पीड़ित पड़ोसी युवती पिता संग पुलिस थाने में तहरीर देने के लिए आई। वहीं पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होता देख इसके बाद हताश व परेशान युवती ने पुलिस प्रशासन से मदद मांगते हुए और थाने में कार्यवाही न होते हुए मोबाइल के जरिए शिकायत की और वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया। किशनपुर गली नंबर 8 अलीगढ़ से बोल रही हूँ। ये 6 बजे का मामला है, गोभी नाम का लड़का है, 4-5 लड़के लेके आया। ये थाने में से 6 बजे से बैठी हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मेरे घर पे गेट पीट पीट के हथौड़े लेके ईट लेके मेरी बहन मेरी माँ अकेली है घर पर, मैं थाने में अकेली, मेरे पापा को भी थाने में बैठा के रख लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कहीं से भी। ये बोल दिया, मैं थाने में गई थी तो बोले इनको ले जाओ यहाँ से, तुम्हारे पापा तो यहाँ खुद बैठे हुए हैं, यहाँ हम तीनों लड़की है, दोनों मेरी बहन है, दोनों माँ है, हम क्या कर लेंगे, कोई रिस्पॉन्स कहीं से भी नहीं आ रहा। ये मार देंगे जब रिस्पॉन्स करेंगे पुलिस, सब लोग हमको मार दे, हम मर जाए तब करेंगे ये सब कुछ। थाना क्वारसी के मोहल्ला किशनपुर में गली नंबर 8 की एक महिला द्वारा अपने पड़ोसियों के विरुद्ध मारपीट करने संबंधी आरोप लगा के एक वीडियो वायरल किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसके पड़ोसी द्वारा उसके तथा उसके परिवारजनों के विरुद्ध मारपीट करने संबंधी आरोप लगा के एक अभियोग थाना क्वारसी में पंजीकृत कराया गया है। अभियोग ने निष्पक्ष आधार पर विवेचना करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ खैर क्षेत्र के गांव रायपुर निवासी किसान हरिकृष्ण का आरोप है कि वह खैर कस्बे की अनाज मंडी के निकट खाद की दुकान से खाद खरीद रहा था कि अचानक उसकी जेब में रखे 20,000 रुपये गायब हो गए। वह परेशान हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसको परेशान देख स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की और CCTV लगे कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया और कैमरे में जेब कतरों को पहचान लिया और चारों जेब कतरों को दबोच लिया। मौके पर पुलिस को सूचना दी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। गाँव में रायपुर गांव सरिया मिल पर रहते हैं हम। अच्छा, क्या हुआ था आप बताओ? 20,000 रुपए खाद के लिए साहब, खाद ले रहे थे और उसने निकाल के छोड़ दिए। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। फिर क्या हुआ बाद में? बाद में साहब कुछ सुना है, वो इनने 10,000 रुपए ने पैसे मिल गए और 10,000 रुपए ने बाकी है खाते पकड़े ठेका पकड़े, वीडियो मौजूद है दुकान पे। अच्छा, तो पुलिस के हवाले कर दिया हूं। पुलिस के हवाले कर दिया ना? जो कह रहे हैं कि पैसा मंगा रहे हैं, पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस के हवाले कर दिया सर। थाना खैर के कस्बा खैर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की जेब को जेब कतरे द्वारा काट करके पैसा निकाल लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची तो वहां पर जेब कतरे को जनता के व्यक्ति द्वारा पकड़ के रखा गया था। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उन चारों जेब कतरों को माननीय न्यायालय समक्ष पेश करके जेल भेज दिया गया तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज़ इंडिया। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।